मैं जानना चाहता हूं सर को तो बहुत बार सुने हैं हर स्टेज में सुने हैं सर आज जानना चाहते हैं कि मैडम आज इस लेवल में इस स्टेज में आकर इस सम्मान पाने के बाद कैसा फील कर रहे हैं सर तो मैडम से यह जानना चाहता हूं जय आसियम आपको आज इस स्टेज में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी एक दिन स्टेज पे आए सरकारी बच्चे हैं और बहुत समझदार भी हैं मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या उनको कैसा लगा अरे पापा को कैसा लगा सबको जय आसियम मम्मी पापा को देख के मुझे बड़े फील हो रहा है पहले मैं जानना चाहता हूँ सर के लगन सत्र में जानी है इतनी है तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आज लगन सत्र यहाँ पर देंगे और आज से का फॉर्म बना करके कैसा लग रहा है दोनों को दीदी भी है अरविंद सर हेलो हाँ हेलो आज के हम आप सबसे मैं बहुत खुश हूँ आप लोग को देखते आप लोग से मिलने आई हूँ मेरा नाम सविता देवी है मैं लालन लाल ठाकुर की बहन हूँ जय आशय लगन लाल के लिए एक बार जोर से ताली हो जाए पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं लेफ्टिनेंट राजन हूं लगन लाल जी का जीजा जी और आशियम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और आप लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं प्रे करता हूं कि आप लोग इसी तरह से एक फैमिली होकर आप आगे बढ़ते रहें और आशियम का नाम रोशन करते रहें और उसके साथ साथ आप अपने घर को भी रोशन करें आशियम देखिए एक ऐसा बिजनेस है जहां कोई पूंजी नहीं लगती सिर्फ एक ही पूंजी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है और वो है मेहनत अगर आप जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो इसके साथ ही वंस अगेन मैं आशियम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोगों को आपके प्रोग्रेस के लिए थैंक यू और मैडम से जानना चाहेंगे कि आज इस सिलेबसन आगे इस लेवल पे आने के बाद कैसा फीलिंग है मेरा नाम है लीलावती देवी मैं ये आशियम में इस लेवल पर आके बहुत खुश हूँ मैं कह नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ बहुत खुश और मेरे को राकेश शर्मा जी का मीटिंग में बोकारो में एक लाइन सुनने को मिला था पूरे इसी तरह का हॉल भरा हुआ था लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लेकिन उन्होंने बोला था गरीब परिवार में जन्म लेना गुनाह नहीं है लेकिन गरीबी में मर लेना सबसे बड़ा कलंक है और उसी दिन से मैं ठान गया कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता और काम करना शुरू किया और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पानी में पत्थर मत फेंको यारो क्योंकि उसे लोग पीते हैं पानी में पत्थर मत फेंको यारो क्योंकि उसे लोग पीते हैं जिंदगी यूं मत गुजारो यारो क्योंकि तुम्हें देख के कोई और जीता है
एक बार भुवनेश्वर के लिए शानदार म्यूजिक चाहिए शानदार गाने के साथ।